गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी दिन में तो ऑफिस गया था भाई, और शाम को ही टाइम मिलता है व्लॉगिंग का। बाकी अभी वहाँ पे जो पुराना ग्राउंड था अपना इंडरी टीम का, वो बंद हो गया है। वहाँ पे बिल्डिंग बननी थी ना भाई, तो उस संडे से ही बंद है वो ग्राउंड। तो भाई अभी नया ग्राउंड बना रहे हैं, उसी स्कूल के समीप है ये कन्या माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ पे ग्राउंड बना रहे हैं सभी इंडरी टीम के प्लेयर। तो भाई ये देखो बल्ली वगैरह सब कुछ है, तो बाकी ग्राउंड बना रहे हैं, सभी प्लेयर आ रहे हैं। और ये देखिए सभी प्लेयर आए हुए हैं, जगत एंड्री, युधिष्ठर एंड्री, योगी एंड्री, और भी प्लेयर हैं जो आ रहे हैं भाई। तो ये ग्राउंड है भाई, जब पहले टूर्नामेंट हुआ था तो यहीं पे ग्राउंड बना था, तो काफ़ी जगह है यहाँ, और अच्छा ग्राउंड बनाएंगे भाई। दोनों तरफ बल्ली नेट वेट लगा के आज फिलहाल, बाकी फिर दोनों तरफ लाइट की व्यवस्था करेंगे और जाली लगा देंगे चारों तरफ, ताकि ये पेड़ जो हरियाली है ना ये टूटे ना, कोई भी नुकसान ना हो कैसा भी। बाकी बढ़िया ग्राउंड बना देंगे, क्योंकि वो जो ग्राउंड है ना वो लगभग 1-1.5 साल है भाई। कितने साल में बन जाएगी बिल्डिंग, वो अंदाजन 2 साल लगेंगे। तो 2 साल यहाँ पे हमें अपना ग्राउंड बनाना है, रेडी करना है, ताकि इंडरी टीम के प्लेयर सभी प्रैक्टिस कर सकें। और बाकी उस ग्राउंड की हालत भी दिखाऊंगा जिस पे अभी तक हम खेल रहे थे। कहा हो रहा तेरा, तू बीरवानी है ऑन द ब्लॉग में, ब्लॉग में कहा हो रहा भाई। पैमाइश हो रही है ग्राउंड की, सभी प्लेयर आ गए हैं, अभी और भी आएंगे। बल्ली गलत गड़ गई हो, बल्ली गलत गड़ गई को नाल लगाड़ दी गलत। देखते हैं और भी दिखाएंगे, अभी और भी प्लेयर आएंगे, अभी जैसे जैसे तैयार होगा ग्राउंड वैसे वैसे दिखाएंगे। प्रधान बहुत इतरा रहा है, चारों तरफ रस्सी लगा दी है, और बल्ली एकदम एक्यूरेट गाड़ी है, मैंने मतलब अंदाजो सही निकलो मेरा है क्या ना, माने जब तो अंदाज सही ना निकलो मेरा। और भी प्लेयर आ रहे हैं, फौजी रक्षित, ये देखो रस्सी यहाँ पर आ रही है, 1 फुट भारी होनी चाहिए बल्ली, सिस्टम बढ़िया, चारों तरफ लगा दिए रस्सी इस तरह से, कोई समस्या नहीं आ रही, पेड़ भी नहीं काटा जाएगा कोई भी। बाकी अब देखो सबके अलग अलग दिमाग चलेंगे, यहाँ सब खिलाड़ी के अलग अलग दिमाग चलेंगे। टिकम कम हेयर, और दिखाएंगे भाई आगे की कार्रवाई क्या क्या रहती है। अभी तो चारों तरफ रस्सी लगा दी गई है, प्रधान जी सबके दिमाग चलेंगे अब, है ना। तो भाई कदी देखो सीध मिल रही है, बल्ली खंबा और गैदाड़ो तीनों एक सीध में, ठीक है ना भाई। उस्ताद जी आप भी बताइए कमेंट करके सीध में है कि ना बल्ली। तो गाइस अगर आपको नया ग्राउंड रेडी करना है तो मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए ये है कॉर्नर रस्सी का, ठीक है, यहाँ से पोल की लंबाई जो होगी 32 फीट होगी, यहाँ से कॉर्नर से 32 फीट होगी, और पोल से फिर आगे जो दूसरा ग्राउंड होगा उसकी लंबाई भी 32 ही होगी। बाकी यहाँ से चौड़ाई जो होगी ना, यहाँ से और उधर दूसरे पोल तक चौड़ाई, नेट की चौड़ाई जो, वो 30 फीट होगी, 30 फीट ले सकते हैं हम। बाकी जो ये बल्ली है और दूसरी बल्ली यहाँ गड़ेगी, ये बैठा हुआ बंदा यहाँ पे, उसके बीच की जो चौड़ाई है 30 फीट होनी चाहिए वो। तो इस तरह से ग्राउंड रेडी होता है, बाकी चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए चारों कॉर्नर की, इस तरह से ग्राउंड रेडी होता है। वही प्रयास जारी है अभी इंडरी टीम के सभी प्लेयरों का। बाकी देखिए उम्मीद है कल खेलें ग्राउंड में, आज तो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि लाइट की व्यवस्था भी करनी है यहाँ पे, जाली वाली लगानी है, सभी काम करना है। तो टीकम, टीकम है मेरे साथ इंडरी टीम के प्लेयर, तो टीकम रेडी हो जाएगा ग्राउंड फिर ना होगा भाई, है क्या समस्या आएंगी, पैमाइश मतलब सही नहीं बन रहा चारों तरफ से, अच्छा टाइम वैसे खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, कल खेल पाएंगे ना, ठीक ठीक ओके बात, चलो मेहनत करता हूँ भाई, अभी फिर दिखाऊंगा और क्या क्या तैयारी हुई आज, फिर दूसरा ग्राउंड भी दिखाऊंगा, वहाँ पे जो बंद हो गया ना उसको भी दिखाऊंगा। तो गाइस जल्दी है भाई,
पीने के जगह 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 भाई ग्राउंड में जो रेड हुआ है अभी तक रस्सी लग गई है चारों तरफ और एक बल्ली गड़ गई है, दूसरी बल्ली गाड़ देंगे और नेट वेट लगा देंगे, बाकी कल मैच खेलेंगे नई ग्राउंड पे। बाकी अभी जा रहे हैं पार्क में अपने में, वहाँ ठंडी ठंडी पियेंगे कोल्ड ड्रिंक, गलत मत समझिए भाई हो। तो पार्क भी दिखाएंगे, रात के नज़ारे चारों तरफ लाइट, ये देखो यहाँ से पेड़ों में से इस तरह से दिख रहा है, बाकी वहीं चल के दिखाते हैं। ये एंट्री द्वार, ये देखो गाइस सिस्टम, ये है अपना पार्क, ये देखो रात के नज़ारे, चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है और अपनी बाइक दौड़ रही है, जगत युधिष्ठिर प्रेम लव, चारों तरफ लाइट, ये देखो बीच में बढ़िया भाई। मॉर्निंग वॉक पे मैं तो आया था, एक व्लॉग भी बनाया था, बाकी जगत आज पिलाने ले आया है, क्या ले आया है, रोटी पिलाएगा, चल चल चले जाए ना, पेट्रोल लग रहा हो तेरा सिस्टम, आज दिखाऊं। अच्छा भाई मैं बताने वाला था यहाँ पे भी ग्राउंड बन सकता है ऐसा हमने सोचा था, बट आज देखते हैं कि वो मतलब काफ़ी जगह है कि नहीं ग्राउंड के लायक, वो दिखाते हैं अभी आपको कहाँ जहाँ कहाँ ग्राउंड एक गांव के बंदे भी बैठे हैं। नाइट में दिखेगा नहीं भाई, यहाँ पे है ये जगह है ग्राउंड की ना, बाकी दिखेगा नहीं यहाँ पे है, तो काफ़ी जगह पर थोड़ा सा दूर पड़ता है ये ना गाँव से, लगभग पड़ता है 200 मीटर, तो प्लेयर आएंगे नहीं यहाँ पे ना प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए हमने वहीं पे गाड़ लिया नेट, कल गट जाएगा, कल खेलेंगे। कहाँ पे चल, तो वहाँ चल रहा है, कहीं चल रहा है तू, कहीं पिला दे हमें कोल्ड ड्रिंक, बैठने के लिए घास। नाइट में गाइज अच्छा, नाइट में गाइज अच्छा नज़ारा नहीं आ रहा, वैसे आपको किसी दिन मॉर्निंग वॉक पे आऊँगा मैं तब दिखाऊंगा। ये देखो आज ऊपर तक खोल लियो सिस्टम, अच्छी लग रही है लाइट है वहाँ पे मंदिर है। और अभी हम पुदीना की बाट देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, पुदीना आ रहा है अभी हमारा नेट मैन जॉन्टी, वही लेके आएगा हमारा माल, हाँ वही माल लेके आ रहा है, फिर माल मसाला बना के सुट्टा मारेंगे ना। बीच में आओगे, ठीक है अब ठीक है।